इमोशनल वेलबींग कैसा रखे इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। भावनिक संतुलन कैसा रखना चाहिए। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन के ये अभी कार्यकाल में लोगों के दिमाग में काफी सारे विचार आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अभी क्या होगा। कोई लोग सोच रहे हैं कि भाई भविष्य में क्या होगा, भविष्य में मेरा धंधा चलेगा नहीं चलेगा। किसी का धंधा होगा होटल का, रेस्टोरेंट का, किसी का होगा ट्रैवल का, किसी का है मॉल का, किसी का है सिनेमा हॉल का, किसी का है कि जहां मतलब ट्यूशन क्लासेस है, किसी को लगता होगा कि कॉलेज स्कूल्स ये कब खुलेंगे। मतलब ये प्रॉब्लम ये है कि जहां भी जमाव जमा हो सकता है वहां कभी अलाउ करेंगे। हो सकता है कि सितंबर महीने में खुलेंगे कि अक्टूबर महीने में खुलेंगे। कुछ लोगों ने लोन लेके रखा हुआ है कि हम बिजनेस चालू करेंगे, अभी अप्रैल महीने में लोन लिया है, किराए से जगह लिया और धंधा चालू हुआ ही नहीं, किराया चालू हो गया और भी चिंता है कि मैं धंधा चालू कि नहीं करूं, अभी कि यह बंद कर दूं। किसने धंधा चालू किया और अभी बंद करना पड़ा, किसी ने बहुत सारा लोन लेके रखा हुआ है, किसके काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स के बिल बाकी है और बैंकों की ईएमआई है, उनको ये चिंता है कि मैं अभी ये लॉकडाउन खुलने के बाद में भी गवर्नमेंट ने 3 महीने दिए हैं मगर तभी भी मैं यह ईएमआई बाद में भी दे सकूंगा कि नहीं दे सकूंगा। या जिसको लोगों से पैसे लेने उसको चिंता है कि मुझे लोगों से पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कि लोग मना कर देंगे। तो किसी को ये चिंता है कि अभी मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मुझे प्रमोशन चाहिए था, मैंने अभी ये नौकरी छोड़ दी थी, अभी नई नौकरी के तलाश में था, अब तो नौकरी में कटौती हो गई है, अब तो मुझे नौकरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या मैं ये कंपनी में मुझे निकाल देंगे कंपनी से, क्या है कंपनी में मुझे रुकाएंगे, प्रमोशन देंगे नहीं देंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में मेरे को घर पर बिठा देंगे। तो ऐसे लोगों की काफी सारी चिंता है, लोगों के दिमाग में चालू है। फिर कुछ लोगों को यह डर है कि भाई अभी अपने पास में जो स्टाफ है उनको रखना है कि नहीं रखना है, उनको सैलरी कितने दिन देना है, फिर हम प्रॉफिट में कैसे आएंगे। अच्छा, उनको निकाल देंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि निकाल देने के बाद में समझो नया बिजनेस आता है और हमारे पास में स्टाफ ही नहीं है वो बिजनेस संभालने के लिए, तो धंधा कैसा करेंगे। अच्छा, उनको रखते हैं और बिजनेस नहीं आया नया वाला तो फिर क्या करेंगे, उनको संभालेंगे कैसा, वो चिंता है। तो किसी को ये चिंता है कि भाई मेरी हालत कैसे होगी, क्या मैं फिजिकली फिट नहीं रहा, तो क्या मुझे बीमारी हुई, तो क्या मुझे कोरोना हो गया। तो लोगों को मतलब डर है कि भाई अपने ऊपर बहुत कर्जा है तो अभी कैसा करेंगे, इसलिए डिप्रेशन भी आ रहा है, एंग्जाइटी भी हो रही है। किसको ऐसा डर लगा कोरोना हो जाएगा और कोरोना हो गया मुझे तो फिर मैं कैसा करूं, तो फिर उनको दिल में धड़कन, हाथ कांपना, घबराहट ऐसी पैदा होती है और वो घर से बाहर निकल नहीं रहे ये डर से कि मैं घर से बाहर भी जाऊंगा तो तकलीफ वाला कार्यक्रम है। कुछ तो मेरे ऐसे पेशेंट है कि वो बेड के नीचे नहीं उतर रहे क्योंकि उनको लगता है कि अपन बेड के नीचे उतर जाएंगे और कहीं हाथ लगा देंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो अभी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसके पेशेंट बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, पैनिक अटैक के बहुत सारे पेशेंट तैयार हो जाएंगे, कोरोना फोबिया, और ये बार बार हाथ धोने के लिए हम बोल रहे हैं लोगों को, तो बार बार हाथ धोने की जो बीमारी लोगों को वैसी थी पहले भी, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लोगों को एंग्जाइटी है, लोगों को टेंशन है, स्ट्रेस है, और उसके वजह से फिर हार्ट अटैक का डर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो फिर ऐसे इसमें फिर करना क्या, जब चिंता है मन में, विचार आ रहे हैं बार 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 बार। किसको ये लगता है कि अभी क्या होता है कि लोग घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठे हुए तो सिर को सिर लग रहा, विचारों को विचार टकरा रहे, इतने घंटे घर में कोई रहता नहीं था, अभी क्या हो रहा है कि सब लोग घर में हैं, तो फिर थोड़ी इरिटेबिलिटी लोगों की बढ़ गई है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को गलती निकालना, एक दूसरे की गलती निकालते उसको फिर दोष देते जाना, उसको ताने मारना, यह भी चलता है। तो फिर उसमें झगड़े झंझट होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इसकी वजह से बढ़ गए। एक तो अफ्रीकन महिला है, उसने कंप्लेंट किया है गवर्नमेंट को कि
मैं घर में हूं, मेरा हस्बैंड घर में है और वो सेक्स की डिमांड बहुत ज्यादा कर रहा है और मैं वो उतना उसको नहीं कोऑपरेट कर पा रही, तो इसका कुछ तो भी करो, लॉकडाउन खोलो जल्दी ताकि मेरा हस्बैंड बाहर जाएगा। तो कुछ लोग, इनको आदत ऐसी है कि वो बाहर जाने की, इतनी लोगों को आदत थी कि घर में नहीं रहना, बाहर जाना, तो उसके वजह से लोगों के दिमाग खराब हो रहा, लोगों को अकेलापन महसूस हो रहा, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा सोशल सपोर्ट निकल जाएगा, लोग निकल जाएंगे, लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ तो ऐसा हो गया कि लोगों को, कि जैसा ये पेपर में पढ़ रहे कि डेथ होने के बाद में लोग उनको उनके अंत्यात्रा में भी कोई गया नहीं कि नहीं कोरोना हो जाएगा, या किसको खांसी बुखार आ गया तो उसके पास में लोग नहीं जा रहे, घर पे भी किसके लोग नहीं जा रहे, तो उनको डर है कि क्या मेरा सोशल सपोर्ट जो है वो निकल जाएगा तो मेरा कैसा होगा। सोशल सपोर्ट निकल गया तो क्या मैं किसी से मदद मांग सकूंगा, लोग देंगे मदद कि नहीं देंगे। ऐसे काफी सारे विचार लोगों को आ रहे हैं और वो है थॉटिंग, उसको जो मैं बोलता हूं थॉटिंग है। थॉटिंग, थॉटिंग का मतलब ऐसा है कि काफी सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं और लोगों को लगता है कि ये थॉट्स अभी आ रहे हैं तो ये अभी इसका करना क्या, और उसके वजह से फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ज्यादा ज्यादा बढ़ते जा रही है। अभी मुझे ये लोगों को बताने का है कि भाई ये थॉटिंग और थिंकिंग, इसमें आपने फर्क करना चाहिए। थॉटिंग जो है वो थॉट्स ऑटोमेटिक दिमाग में विचार आ रहे हैं, उसको मैं बोलता हूं एटीएम, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी। वो ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी दिमाग में है, एटीएम है, और उसका काम है एंट प्रोड्यूस करना। एंट, एंट मतलब है ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करना। तो वह एटीएम जो है वो एंट कर रही है, मतलब ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस कर रही है। एटीएम का काम क्या है? एटीएम का काम है निगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करना, बस उसको एक ही काम है। देखिए ना, आपको 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज अपने दिमाग में आते रहते और उसमें के 95% से लेकर 99% तक थॉट्स नेगेटिव रहते। अब वो नेगेटिव थॉट जा रहे हैं, वो क्या आप कर रहे हैं, क्या ऑटोमेटिक आ रहे हैं? तो आपको लगेगा, आप जब देखेंगे उसके तरफ, इंक्वायर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको लगेगा ये मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं सुबह उठ के ये तो नहीं विचार कर रहा हूं कि चलो अभी मैं टेंशन लाऊंगा, चलो मैं डिप्रेशन लाऊंगा, चलो मैं चिंता करूंगा कोरोना की, ऐसा तो नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक आ रहे, आप तो नहीं ला रहे हो। तो जब ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीनरी, तो आपकी जिंदगी कौन चला रहा है? आपकी जिंदगी वो थॉट्स चला रहे, फिर आप कहां है? वेयर आर यू? अब है कहां? अब है नहीं। देखो, आप जब अपने आप को उससे अलग करेंगे कि ये जो थॉट्स आ रहे, मैं थिंकिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जानबूझ के थॉट्स नहीं ला रहा हूं, उसको बोलते हैं थिंकिंग, ये थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे, आपको ये उसका एहसास करना पड़ेगा कि देखो ये शर्ट मेरे पास नहीं कि मैं शर्ट हूं, तो ये मेरे पास में शर्ट है, मैं शर्ट नहीं हूं। ये पेन मेरा है कि मेरे पास में पेन है? नहीं, मेरे पास में पेन है, ये पेन मेरा है, मैं पेन नहीं हूं। ये चश्मा मेरा है कि मैं चश्मा हूं? नहीं, चश्मा मेरे पास में है, मैं चश्मा नहीं हूं। वैसा वो थॉट्स मेरे पास में है, मैं थॉट्स नहीं हूं, मतलब मैं अलग हूं और थॉट्स अलग है। और जब मैं अलग हूं और थॉट्स अलग है, वो ऑटोमेटिक थॉट आ रहे हैं, वो ब्रेन मैकेनिज्म है। फिर अभी आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये थॉट्स में मैं घुस जाऊंगा, उसको मान सम्मान दूंगा, वो थॉट्स को मुझे चलाने दूंगा कि मैं उसको बाजू में रखूंगा, उसको बोलते हैं ब्रैकेटिंग, वो थॉट्स को बाजू रखूंगा कि वो ऑटोमेटिक है, थैंक यू वेरी मच, अभी मुझे देखना है कि मैंने क्या करना है, मैंने अभी करना क्या है, उसको बाजू में रख दिया तो वो आपको यदि सोचेंगे और आप उसमें सोचेंगे कि नहीं 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 कौन सी एक्शंस मैं ले सकता हूं और कौन सी एक्शंस लेके आगे बढ़ सकता हूं, प्लानिंग कर सकता हूं, तो आपको उसमें नए नए एक्शन दिखेंगे। ऐसे कौन सी एक्शन मैं ले सकता हूं कि जो अभी तक मैंने लिए नहीं थी? ऐसे कौन सी एक्शंस की स्ट्रेटेजी बना सकता हूं मैं कि अभी तक कभी लिया नहीं मेरे बिजनेस में? आपको नया सोचना पड़ेगा। देखो, आपको भी बहुत टाइम है आपके पास में, ये टाइम कभी जिंदगी में आया नहीं, ना कभी आएगा, भगवान करे ऐसा टाइम फिर से नहीं आना चाहिए कि लॉकडाउन करना पड़े। अभी है, जो है वो है। तो पहली बात यह है कि उसका स्वीकार करो, डोंट रेजिस्ट। इसमें और एक बात मेरे को बताने का है कि जब आपके दिमाग में आ रहे ऐसे निगेटिव थॉट्स, आपके आजू बाजू में तो होल सेल में निगेटिव लोग घूम रहे, आप जैसे निगेटिव ऐसे लोग भी तो निगेटिव है। और जब होल सेल में निगेटिव थोक में लोग घूम रहे निगेटिव, और वो भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालते जा रहे निगेटिविटी। अच्छा, लोग डाल रहे निगेटिविटी, उसके साथ साथ सोशल मीडिया है, टीवी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो लोग शेयर करते जा रहे उसमें भी तो निगेटिविटी आ रही है। अमेरिका में इतने लोगों को कोरोना हुआ, इतने लोग मर गए,
अभी चीन में ऐसा हो रहा है, इटली में ऐसा हो रहा है, भारत में रोज 1000 लोग नए ऐड हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें भी निगेटिविटी आ रही है। मतलब अपने जो पंच इंद्रिय जो है, आंख कान त्वचा जीवा नाक, ये पंचेंद्रियों में से सब निगेटिविटी अंदर जा रही है, और जो अंदर है वो भी अंदर से बार 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 आपको उकसा रही भी नहीं। आपको भी करना क्या है, आपको नंबर एक पहले एक्नॉलेज करना है, उसकी नोन लेना है कि जो थॉट्स चालू है वो मैं नहीं ला रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ये जो मुझे दुख हो रहा है, ये मुझे चिंता हो रही है, मैं नहीं चिंता कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक चिंता आ रही है, ऑटोमेटिक नर्वसनेस है, ऑटोमेटिक डिप्रेशन है, ऑटोमेटिक हो रहा, स्वयं चलित है वो, आप नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसका स्वीकार करो। ठीक है, जो है वो है, जो अनिश्चितता है चलो है, तो जब उसका स्वीकार करेंगे, उसको चूज करेंगे, उसको गले लगाएंगे, उसको झप्पी देंगे कि ठीक है जो है वो है, अभी मैं जो चिंता कर रहा हूं वो है कहां, वो है फ्यूचर में, फ्यूचर में चिंता है। मैंने क्या किया कि पास की जो भी तकलीफें थी, पास की जो मेमोरीज है, पास का जो भी दिमाग में आ रहा है बार 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 बार, वो सब मैंने डाला है फ्यूचर में। फ्यूचर की चिंता है, फ्यूचर में क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, पता नहीं, मतलब क्या है कि मैं सब फ्यूचर में डाल रहा हूं और अभी दुखी हो रहा हूं। आपको मुझे बताना है फ्यूचर कहां है, फ्यूचर तो है नहीं, बताओ फ्यूचर पकड़ के आप, फ्यूचर है नहीं, पास कहां है, पास भी नहीं है, कहां पास्ट है, तो फ्यूचर भी नहीं है और पास भी नहीं है, ये सब हमने बने बनाए हैं डायलॉग्स, ये बने बनाए कॉन्वर्जेशन है, ये बने बनाई भाषा है हमारी, फ्यूचर अतीत भूतकाल वगैरह। फिर अभी हम कहां जी सकते हैं, वर्तमान में जी सकते हैं, प्रेजेंट में जी सकते हैं, और प्रेजेंट में पूरी ताकत के साथ में जी सकते हैं, ना कि वो अतीत के थॉट्स में, प्रेजेंट में थिंकिंग कर सकते हैं। प्रेजेंट में थिंकिंग क्या कर सकते हैं, नंबर एक एक्सेप्ट, स्वीकार करो, स्वीकार करो, जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं है। तुकाराम महाराज ने मराठी में, मैं बोलता हूं, तुकाराम महाराज एक काफी बड़े संत हुए मराठी भाषा में, उन्होंने बोला था कि तुका मणे उगी रावे, जे जे होइल तेते पहावे। उन्होंने ऐसा बोला है कि चुप बैठो और जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा तुम देखते जाओ, और जो करना है वो करो, चिंता क्यों करते हो। मैं एक मंत्र देता हूं लोगों को कि मंत्र रोज बोलो और काम को लग जाओ। मंत्र ऐसा है कि वो आपने रोज बोलने का है, ऐसा तो ऐसा, वैसा तो वैसा, ऐसा तो ऐसा स्वीकार करो, ऐसा तो ऐसा, वैसा तो वैसा, नहीं तो फिर जैसा है वैसा, उसका स्वीकार करो, उसको रेजिस्ट मत करो, उसको उसका विरोध मत करो, उसका आप जितना विरोध करेंगे उसको नहीं होना नहीं होना नहीं होना ऐसा करेंगे तो वो और ज्यादा 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 दिमाग को तकलीफ देता है कि जो है वो है। फिर नया क्या है, तो नया ये है कि अभी संभव क्या है। अब बहुत लंबाई का सोचेंगे, एक साल के बाद में, छह महीने के बाद में, शायद हो सकता है कि अभी अपना दिमाग ब्लॉक हो गया है। आपने क्या करना है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी मैं क्या कर सकता हूं। हम क्या करते हैं, समझो बहुत ज्यादा कोहरा है और कोहरे में कार चलाने का है, दिखता नहीं है, तो कार के लाइट कहां तक बताते हैं हमको, 5-10 फीट का, तो हम कार 5-10 फीट चलाते हैं, वहां जाने के बाद में कार और बताती है रास्ता, फिर और जाती है और जाती है, तो जितना लाइट जाता है 5-10 फीट उतनी हम कार चलाते रहते हैं। हमने क्या करना है, आज जितना भी हम जा सकते हैं आज उनका प्लानिंग हम कर सकते हैं, उसका प्लानिंग बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, कौन सी एक्शन ले सकता हूं, नंबर एक, ये फेल होगी तो और कौन सी एक्शन ले सकता हूं, ये फेल होगी तो और कौन सी एक्शन, ये फेल होगी तो और कौन सी एक्शन, ये फेल होगी तो और कौन सी एक्शन, ऐसे हम यदि एक्शन लेते जाएंगे तो कोई ना कोई एक्शन तो पास कर लेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन सफलता देंगे, मतलब आपको रुकने का नहीं है, नेवर एवर एवर स्टॉप, जो है वो करना ही है, एक्शन लेते जाने का है, एक्शन आप लेंगे तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो एक्शन लेना है, उसमें अटकना नहीं है, अटैच नहीं होना है एक्शन को, नहीं नहीं मैंने तो लिया था एक्शन, कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है एक्शन लिया नहीं वो काम नहीं कर रही, दूसरी एक्शन लो। तो अभी मौका है क्रिएटिविटी का, जो आपने कभी किया ही नहीं अभी तक जिंदगी में, कभी किया नहीं अपने बिजनेस में या अपने लाइफ में, अभी वो सोचो कि मैं क्या नया कर सकता हूं, तो वो हम करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा, हमको लोगों को दोष देने का नहीं है, क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपस में मेल जोल हो रहा है, 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, तो लोगों को दोष देना, लोगों को उल्टा पुल्टा बोलना, ताने मारना, लोग कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। यदि आपको कोई व्यक्ति बुरा दिखता है, समझ लो आपके अंदर जो बुरा है ना, वही आप बाहर वो व्यक्ति के ऊपर डाल रहे हैं। सभी लोग अच्छे हैं, कबीर का दोहा है,
कि बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। मेरे से बुरा कोई नहीं है, मैं बुरा हूं, जो भी है वो अंदर है, मेरे को अंदर देखना पड़ेगा। तो जब मैं अंदर देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझमें क्या मुझे लाना है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो बाहर लोगों से प्यार से रहो, आदान प्रदान विचारों का करो, लोगों को सुनना चालू करो, लिसन करो, उनकी दुनिया क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनको कैसा लग रहा है। सभी को टेंशन है आज के दिन में, सब लोगों को टेंशन है, सब लोग चिंता में है, सब लोग स्ट्रेस में है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। लोगों को सिर्फ सुनो, किसी के साथ में आप सिर्फ सुनते हैं ना बैठ के, और सुनते हैं तो लोगों का दुख हल्का हो जाता है। आप भी किसको सुनाएंगे तो आपका भी दुख हल्का हो जाएगा। आपने किसको सुनाने के पहले उसकी पहले सुनो, बाद में फिर आपको जो बोलना हो बोलो। इससे क्या होगा, उसका दुख हल्का हो जाएगा, हम लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। यदि वो आप करते हैं तो आपको भी बहुत मन में सुख शांति मिलेगी। ये जो दिन है आज के, ये दिन सभी के जीवन में, सबके जीवन में, ऐसा नहीं है दुनिया भर में सबको ये फेस करना पड़ रहा है। ऐसा समझो कि नहीं मेरे अकेले के ऊपर ही ऐसी नौबत आ गई। जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो कम ज्यादा फाइनेंशियली साउंड उनको कम नुकसान हुआ। नुकसान सबको अपने अपने हिसाब से हुआ, परसेंटेज वाइज सबको नुकसान बराबर हुआ। नुकसान हुआ 30-50% धंधा बंद हो गया, 30-50% लॉस हुआ, फिर शेयर मार्केट होगा या आपका इनकम होगा, 30% से लेकर 50% तक लोगों को नुकसान इसमें होने वाला है या हुआ है, और वो सबको है। सभी एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, जो भी प्लान बना सकते हो प्लान बनाओ। अभी टाइम आपके पास में है तो नया कुछ सीखो, अपनी हॉबी कुछ बची होंगी पुराने दिनों में कुछ, कि मुझे ये सीखना है, सीख लो। अभी नया कुछ सीखना है, नई भाषा, कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर के प्रोग्राम सीखना है, जो भी कुछ आपने लिखा हुआ था कि कभी तभी सीखेंगे, कभी तभी करेंगे, किताब पढ़ेंगे, अभी कर लो, अभी वक्त है। और वो आप अभी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे आप काम करते हैं, सफलता लाते हो, मजा भी आएंगे, आपके दिन भी अच्छे जाएंगे। और जब हम घर में बैठते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो सच्ची लोगों के जीवन में हम फर्क कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, समझ के चलो। देखो ये पक्का है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में भी बाकी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, मार्केट प्लेसेस, जहां भी भीड़ होती है, वो कब चालू करेंगे हमको मालूम नहीं। वैक्सीन जब मिलेगा तब मिलेगा, दवाई कोरोना के खिलाफ जब मिलेंगी तो मिलेंगी, हो सकता है कि नवंबर दिसंबर आ जाएगा, फिर तब तक हमको केयर करनी पड़ेगी। तो ये हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इमोशनल वेलबींग अच्छा रहेगा, और हम अच्छा एक जीवन, शांतिपूर्ण, शक्तिशाली, मन को शांति देना और पूरा आत्म अभिव्यक्ति होकर जीना संभव रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा एक ऐप है डॉक्टर केयरकर ऐप करके, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे आपके ये इसके बारे में कोई सवाल होंगे तो। और उसमें कुछ वीडियोस फ्री भी है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।